Brought to you by BPCL, Bharat High Star Cooking Stove. Bharat High Star Stuff. Save more, serve more. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज सवाल है, पेटीएम करो, पेटीएम ना करो, या पेटीएम का क्या करो। अब बहुत से लोग परेशान हैं कि पेटीएम का क्या करो। जो पेटीएम करो वाले लोग हैं उनको तो खास दिक्कत नहीं दिख रही है, क्योंकि उनके बारे में साफ हो गया है कि आपके वॉलेट में जो पैसा है वो आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप उसे निकाल भी सकते हैं। लेकिन पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर जो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और जो गंभीर दिख रहा है, अब उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के चार्ज जुड़ रहे हैं, तरह तरह के उस पर इल्जाम लगते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में खास तौर पर जो पेटीएम के शेयर होल्डर हैं वो क्या करें, उनको समझ में नहीं आ रहा है और समझने को कुछ खास बचा भी नहीं है। 20% के दो सर्किट और उसके बाद आज 10% का तीसरा सर्किट, ये जो हालत है उसकी, ये कुल मिला के इसने फिर 10% जो गया है उसके बाद, वो टोटल 42.4% की गिरावट 3 दिन में उसके शेयर में आ चुकी है। भारी गिरावट है और वजह यह है कि समझ में नहीं आ रहा है किसी का कि इस शेयर को कोई क्यों खरीदेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि लोअर सर्किट लगे हुए शेयर को आप खरीद सकते हैं, बेचना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप खरीदने जाएंगे और आप अगर बाय का ऑर्डर डालेंगे तो किसी न किसी का एक सेल का ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। अगर आप उस सर्किट लिमिट के थोड़ा ऊपर का एक ऑर्डर लगा देंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति में कौन खरीदेगा। और ये सवाल एक अजब तरीके से उठा है कि उधर मॉर्गन स्टैनली ने लगभग 0.8% हिस्सेदारी पेटीएम की खरीदी है 2 दिन पहले, और वो लगभग 244 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया उन्होंने इसमें। तो ये मॉर्गन स्टैनली ने खुद खरीदा, अपने लिए खरीदा, अपने ग्राहकों के लिए खरीदा, या उसने ब्रोकरेज के तौर पे किसी दूसरे के लिए सौदा किया है, अभी ये डिटेल खुले नहीं है। बाजार में इसको लेकर तमाम अटकलें चल रही हैं कि किसने खरीदा, क्यों खरीदा। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ है, आज खास तौर पर आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों में एकदम जबरदस्त उछाल आ गया है, 15% का उछाल एक दिन में। वजह यह कि बाजार में चर्चा चल पड़ी है कि अब पेटीएम का कारोबार, पेटीएम का पेमेंट एग्रीगेटर का कारोबार जियो फाइनेंशियल सर्विसेज खरीद सकता है, और उसका जो उसके जो ग्राहकों का पूरा भंडार है वो जियो के पास जा सकता है। ये खबर आई और बाजार में तेज हलचल शुरू हुई। हालांकि जो जानकार हैं इस विषय के, उनका कहना है कि यह संभव नहीं है, पेटीएम का सौदा जियो के साथ नहीं हो सकता है। जो आरबीआई के नियम हैं पेमेंट बैंक के लाइसेंस के और जो पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस है, इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो यह सौदा संभव नहीं है टेक्निकली। अब वो टेक्निकली संभव नहीं है तो फिर क्या हो रहा है। दूसरी तरफ जो पेटीएम का हाल है, जिसका शेयर 42% गिर चुका है, 40% के ऊपर गिर चुका है, उसके नाम पर जियो का शेयर 15% उछल रहा है, अपने आप में एक उलटबांसी नजर आ रही है। अभी आप 2 दिन और रुकें तो ये नीचे के सर्किट रुकेंगे कि नहीं, कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसे में पेटीएम से ऐसा क्या मिलने जा रहा है, मान लीजिए जियो अगर उसको खरीदने में कामयाब भी हो जाता है, ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि तेजी से पेटीएम के ग्राहक उसको छोड़ के भाग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो सर्विस ही शुरू कर दी है कि सीधे सीधे आपका पेटीएम का अकाउंट हम कहीं और ट्रांसफर करवा देंगे। तो ये थोड़ा सा विचित्र चल रहा है। और जानकार सलाह ये दे रहे हैं कि इस वक्त जो मैंने अभी कहा कि आप लोअर सर्किट लगे हुए शेयर को खरीद सकते हैं, आप खरीद जरूर सकते हैं, लेकिन क्या आपको खरीदना चाहिए, तो ज्यादातर जानकारों का कहना है कि बिल्कुल बॉटम फिशिंग के चक्कर में, सस्ते में शेयर को पकड़ने के चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। अब फिर भी कोई आदमी कूदना चाहे, दांव लगाना चाहे, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन वो मनुष्य को अपने पैसे से, अपनी बुद्धि से करना होता है, उसके लिए उसको किसी की सलाह की जरूरत होती नहीं है। बिज अड्डा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिजतक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिजतक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।